नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणभीर एक तरीके से बच चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान होने में काफी लंबा वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान वाले जो इलेक्शन ईयर है, इन राज्यों में नवंबर में यहाँ चुनाव होना है इसी साल, यहाँ बहुत पहले से चुनावी माहौल बन चुका है। और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने इस मोमेंटम को और गति और रफ्तार प्रदान कर दी है। इन चार राज्यों में चुनाव एक तरीके से अभी से तेज हो जाएगा और जो 15 अगस्त को चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से जनता को आज़ादी के जो मंच है, आज़ादी के समारोह का मंच है, उस मंच से एक तरीके से मुफ्त वादों की घोषणा की और फ्री ब्रिज, जिसे कहते हैं रेवड़ियां, उसका भी ऐलान किया। इसके बाद राजनीति और गर्मा गई है। चारों राज्यों में लगभग 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुफ्त वादों की घोषणा को जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो एक तरीके से चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये कारगर चुनावी हथियार है। पूर्व के चुनावों में दिल्ली से शुरू होकर कर्नाटक तक जो ये रेवड़ियाँ हैं, ये जीत हार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है, अगर 15 महीने छोड़ दें तो 18 साल से बीजेपी है और सत्ता में वापसी के लिए पार्टी कई तरीके की रणनीति पर एक साथ काम कर रही है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ये क्या चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या फिर तेलंगाना हो, यहाँ की सरकारों को क्या ये रेवड़ियाँ वापस ला पाएंगी, या जो दल इनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं क्या उनकी रेवड़ियाँ ज़्यादा लुभावनी हैं, ये जो ये तो चुनाव होंगे इनमें ये तय हो जाएगा। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने एक तरीके से रिवाज बदलने की कोशिश तेज कर दी है और वास्तव में अगर देखा जाए तो गहलोत लगातार, क्योंकि राजस्थान के रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो कोशिश लगातार कर रही है, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, मुफ्त एक तरीके सस्ता सिलेंडर हो, मेडिकल सुविधाएं हो, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके छत्तीसगढ़ में भी बघेल के सामने सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आखिर 15 अगस्त के मन से जो किए गए, यानी कि जो आज़ादी का महोत्सव था, उस दिन जो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणाएं की हैं, मुफ्त वादे जो किए हैं, वो क्या चुनाव में असर डालेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। बात सबसे पहले हम कर लेते हैं गहलोत की। गहलोत ने फ्री मोबाइल राशन किट देने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के मंच से 42 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज को बताया। गहलोत ने मुफ्त वादों की बहुत सारी एक तरीके से फहरिस्त गिनाई, फ्री मोबाइल, निशुल्क राशन किट और बहुत सारी बातें, कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल डिवाइस को भी एक तरीके से उन्होंने प्रमोट किया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ये बातें कहीं अशोक गहलोत ने। और उन्होंने कहा कि अभी हम 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दे चुके हैं, 20 अगस्त से सभी 1 करोड़ महिलाओं को गए गारंटी कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे आने वाले वक्त में सरकार से स्मार्टफोन आसानी से ले सकेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ये घोषणा है, कहीं लोगों को ये ना लग जाए कि फ़ोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे चुनाव बाद, इसलिए गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं और बदले में वोट की गारंटी भी गहलोत चाह रहे हैं। गहलोत ने मंच से 33 लाख लोगों को निःशुल्क
राशन किट देने की भी घोषणा की। बहुत सारी इस तरीके की बातें उन्होंने की और बहुत सारे लुभावने वादे किए। स्कूटी और तमाम तरीके की सुविधाएं भी वहां पर ऐलान किया गया। यही नहीं, अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग घायल अगर रास्ते में कहीं रहते हैं उन्हें कोई अस्पताल पहुंचाता है तो 10,000 रुपये उसे इनाम दिया जाएगा। चुनावी साल में एक तरीके से बहुत सारी योजनाएं परियोजनाओं पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। अगर बात हम इसी तरीके से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त की झड़ी लगा दी है। लाडली बहना योजना एक तरीके से बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक होगी। महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने 15 अगस्त को भी कई घोषणाएं उन्होंने की और उनका फोकस भी एक तरीके से जो महिला वर्ग है वो रहा। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों के लिए भी योजनाएं उन्होंने जारी की, रोजगार देने की बात की और युवाओं को जो स्टाइपेंट देने की बात हो रही कि 10,000, 8,000, 7,000 एक उन्होंने कहा, तो युवाओं का एक बहुत बड़ा वोट घसीटने की कोशिश है स्टाइपेंट के जरिए। एक जो लाडली बहन योजना और स्टाइपेंट, ये दो बड़े हथियार फ्री ब्रिज के मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक तरीके से इनको लॉन्च कर दिया है। इसी तरीके से अगर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो भूपेश बघेल भी पीछे नहीं है और उन्होंने आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़िया को मुख्य फोकस किया है और वो कह रहे हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। ये तो खैर अच्छी बात है। इसके अलावा भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को मुफ्त बस सेवा शुरू कर रहे हैं। 60 साल पूरा कर चुके मजदूरों को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की बात भी की है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी एक तरीके से मौजू भी लगती हैं, क्योंकि मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त और जो शारीरिक रूप से एक तरीके से जो बहुत सक्षम नहीं हैं उनको एक अलग तरीके की सहायता या एक निश्चित सहायता देने की बात की है। तो ये मुफ्त जो वादे हैं, चुनावी वादे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। समाजशास्त्री डैन रेली ने फ्री ब्रिज यानी रेवड़ियों यानी मुफ्त जो मतदाताओं को लुभाने के लिए जो मुफ्त देने की बात हो रही, योजनाओं की बात हो रही, उनके बारे में समाजशास्त्री डैन रेली ने कहा है कि सरकार की ओर से दी जा रही जो भी चीज़ें हैं उनको एक तरीके से इन पर उन्होंने शोध किया है और इसके अनुसार चुनाव में मुफ्त वादे पैसों से ज़्यादा भावनाओं से जुड़ा होता है। उनका ये सामाजिक शोध है, इसलिए लोगों पर ये सीधा और तुरंत असर करता है। वो कह रहे हैं पैसे बांट दीजिए उतना असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे ज़्यादा असर पड़ता है। रैली के मुताबिक चुनाव के दौरान मुफ्त वादों की घोषणा सुनने के बाद आम लोगों के व्यवहार और उसके पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आम जनता मुफ्त वादों की घोषणा सुन किसी एक के पक्ष में झुक जाती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कम से कम मार्जिन वाले सीटों पर मुफ्त वादे या फ्री ब्रिज या रेवड़िया मास्टर स्ट्रोक का काम करती हैं। राजनीतिक दल अपने अपने सुविधा अनुसार मुफ्त वादे करने से चूकते नहीं हैं। भारत में चुनाव के दौरान मुफ्त वादों की घोषणा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल है, लेकिन अब तक इस पर क्या हुआ पता नहीं। जब भी चुनाव आते हैं राजनीतिक दल प्रोफेशनल रणनीतिकारों का सुझाव लेते हैं, मदद लेते हैं और तब फिर उसके बाद इसमें आगे काम करते हैं। और जब से प्रोफेशनल रणनीतिकार चुनाव के रणनीति में कूदे तब से इसको लेकर काफ़ी चलन बढ़ा है फ्री ब्रिज का। और सियासी गणित को अगर देखें तो दक्षिण राज्य कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 5 गारंटी स्कीम दी वो हालिया इसका उदाहरण है। इसी तरीके से पहले हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की घोषणाएं और सारी चीज़ें की, उसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम और ये जो 5 लाख सरकारी नौकरी गारंटी, इन सब चीज़ों की वजह से इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। मुफ्त बिजली, मुफ्त उर्वरक, बहुत सारी चीज़ें ये कर रही। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों ने ऐलान किया था, बीजेपी ने भी कहा था कि वो त्योहारों पर जो मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। बिहार में भी नीतीश कुमार इस तरह की बातें करते रहे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फ्री ब्रिज एक बड़ा रोल चुनाव में प्ले करता है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। अभी हरियाणा में चुनाव अगले साल है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो
कार्यक्रम में वहाँ के कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा एक तरीके से वो अभी से घोषणा करने शुरू कर दिए हैं। उनके बेटे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा वो भी लगातार सभाओं में ये घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का देंगे अगर उनकी सरकार कांग्रेस की आई, 500 रुपये में रसोई का गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का आश्वासन कर रहे हैं, सरकारी सहायता से गरीब परिवारों की मदद की बात कर रहे हैं और 100 वर्ग गज के प्लाट पर 2 कमरे के मकान का भी आश्वासन दे रहे हैं। तो यानी कि हरियाणा में भी अगले साल लोकसभा के चुनाव अगले साल देश में है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ पर भी ओपीएस बहाली जैसे हो जो हमने अपने उपरोक्त आपको बातें बताई आपके स्क्रीन पर हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप में वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हमारे 2 सहयोगी अभी हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ने वाले हैं और सादिक रजा जुड़ गए हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से और सुनील मालवी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सुनील के पास जाऊंगा सीधे। सुनील, आज भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह टिकट का ऐलान कर दिया है, विधानसभा के जो टिकट हैं उनका ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो काम पहले हमने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अंतर्द्वंद और विरोधों से जूझ रही थी और कांग्रेस ने बहुत पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, इसी तरह अगर देखा जाए तो हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी पहले उम्मीदवार घोषित किए और बीजेपी ने बाद में किए। हिमाचल में भी सिर्फ फुटबॉल बीजेपी में रही और कर्नाटक में भी रही और कांग्रेस पार्टी दोनों जगह एक अच्छी खासी मार्जिन से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन इसको देखते हुए बीजेपी की कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगह, छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवार और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सुनील, इसका क्या जमीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? बीजेपी ने एक तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर दी है, पहल कर दी, अभी चुनाव के 2.5 महीने तो हैं ही, मुझे लगता है नवंबर में चुनाव है। सुनील जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बीजेपी ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक दाव खेला है कि कहीं ना कहीं चुनाव से 2.5 महीने पहले ही एक अपने जो प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और इस सूची में अधिकतर आदिवासी क्षेत्र से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जो हारे हुए विधायक जो काफी पिछले साल जब 2018 में यहाँ पर बीजेपी हार चुकी थी, ऐसे कई चेहरे इसमें शामिल किए गए। उन चेहरों को इस सूची में इस सूची के अंदर उनका नाम जारी कर दिया गया कि वो पहले से ही तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार जो इंटरनल सर्वे हुआ था बीजेपी का उससे एक चौंकाने वाला सर्वे आया था। इसी तारतम्य में बीजेपी ने बहुत जल्दी एक बड़ा तगड़ा प्लान खेल लिया उसको। सुनील, वो क्या सर्वे था, क्यों लोग चौंके, क्या चौंकाने वाला सर्वे था, कुछ दर्शकों को बताइए क्या स्थिति थी जो इंटरनल सर्वे था जिसको लेकर चर्चा थी। हालांकि जो तमाम चैनल और एजेंसियां जो सर्वे कर रही हैं वो इंटरनल सर्वे तो नहीं, वो सर्वे तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया गया, उसमें लग रहा है 41% दोनों दलों को वोट मिल रहे हैं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए। आप किस चौंकाने वाले सर्वे की बात कर रहे हैं सुनील? देखिए ठीक है, अब सभी पार्टी अपना अपना एक सर्वे, इंटरनल सर्वे करवाती है और उस सर्वे की हम बात कर रहे हैं जिस सर्वे में एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया था, उसी जो सर्वे हुआ था। हालांकि कई पार्टियों से बीजेपी भी हो, कांग्रेस भी हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां एक अपनी तरीके से एक इंटरनल सर्वे कराती है। सर्वे के मुताबिक वो अपने प्रत्याशियों का चयन करती है। अगर उसी तारतम्य मध्यप्रदेश में एक इंटरनल सर्वे हुआ, उस सर्वे में यहाँ पर बीजेपी को भारी जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो कुछ ऐसे जो प्रत्याशी जो 2018 के इलेक्शन में चुनाव हार गए थे, वहीं पर जैसे 14 अगर बात किया, 14 नए चेहरे बीजेपी ने जिस सूची में शामिल किए और कुछ जो चेहरे हैं कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि जो झाबुआ
हो गया, सुमावली विधानसभा हो गया, वहां से पिछले 2018 के इलेक्शन में जब उपचुनाव हुआ था ऐदल सिंह कंसल हार गए थे क्योंकि वो सिंधिया समर्थक थे, और कहीं ऐसे मतलब जो विधायक है जो पिछली बार हार चुके थे तो उन्हीं लोगों को सुनील जो टिकट घोषित किए गए हैं इसमें सिंधिया समर्थकों की क्या स्थिति है, उनकी क्या वो उनको क्या टिकट मिले हैं क्या? जी बिल्कुल, इसमें जो ऐदल सिंह कंसल सिंधिया समर्थक है उनको टिकट मिला है, पिछोड़ से कुछ लोग थे सिंधिया समर्थक उनका टिकट मिला, हालांकि जो रणबीर जाटव है उस क्षेत्र से जो सिंधिया समर्थक उनका टिकट कटा है, उनके यहाँ पर जो पूर्व मंत्री रह चुके लाल सिंह आर्य उनको टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं सभी मतलब जो दल है सभी जो लोगों को साधने की इसमें तैयारी की गई है। जी सुनील, बीजेपी के उम्मीदवार पहले आ गए, अभी कांग्रेस में कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल रहा है कि उसके उम्मीदवार कब आएंगे, इससे क्या बीजेपी को कोई फायदा मिलने वाला है क्या मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक जो ऐसी सीट है जहां पर भोपाल राजधानी की बात करूं मैं, उत्तर विधानसभा सीट है जहां पर आरिफ अकील 6 बार से कंटिन्यू बीजेपी से विधायक कांग्रेस से विधायक रहे हैं, और उसी सीट पर आज आलोक शर्मा को उनको प्रत्याशी जारी किया गया। आलोक शर्मा पूर्व महापौर भी रह चुके, तो जो बीजेपी में जो ऐसा दाव बीजेपी खेल रही है चुनाव में आने वाले समय में, हो सकता है कि एक अहम भूमिका इस जो प्रत्याशियों की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जो बीजेपी ने जो दाव खेला इसको कहा जा सकता है कि आनंद सानंद मास्टर स्ट्रोक का दाव खेला। और बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी 2 या 3 दिनों में कुछ कयास लगाया जा रहा है कि 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी की सूची जारी करने वाली है। जी ठीक है सुनील, आप बने रहिए, सादिक का रुख करते हैं। सादिक, छत्तीसगढ़ को लेकर एक तरीके से लगातार नेशनल मीडिया में यह खबर आई कि भाई भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल जो एमपी हैं बीजेपी के, उनको उनके खिलाफ पाटन से उतारा गया है। थोड़ा सा विजय बघेल के बारे में बताइए, उनकी राजनीति के बारे में बताइए, और क्या चचा भतीजे का चुनाव दिलचस्प होगा या भूपेश बघेल अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? सादिक अनम्यूट करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद सादिक, हेलो हेलो जी दुर्गेन जी, अभी सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पाटन की। पाटन में मुख्यमंत्री की सीट है, उसमें मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जी। जो पाटन में जो विजय बघेल जी है जो सांसद हैं उनको टिकट दिया गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो बीजेपी की योजना समिति उनके संयोजक भी रहे हैं, और उनसे अच्छा कैंडिडेट पाटन में बीजेपी को शायद ही मिल सकता था, तो ये बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला गया है बीजेपी द्वारा। अब उनके पास अभी चुनाव तक 2-3 महीना समय है, और जहां तक कि जो बीजेपी ने इतने जल्दी लिस्ट जारी कर दी, इससे बिल्कुल ही बीजेपी को फायदा होगा। सादिक, एक और सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये विजय बघेल हैं, भूपेश बघेल का इनका जो रिश्ता बताया जा रहा है कि चचा भतीजे हैं, वो इस समय एमपी हैं, उनको 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था, उनको विधानसभा के मैदान में उतारने का क्या मतलब है? बीजेपी क्या भूपेश बघेल को घेरना चाहती है क्या? बिल्कुल 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 दुर्गेन जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भूपेश बघेल जो है वो पिछले चुनाव में उनकी भूमिका बहुत अहम थी, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो विजय बघेल जैसा अच्छा कॉलेज बीजेपी को कहीं नहीं मिल सकता था, और बीजेपी ने वाकई अपना माशा तो खेला है, क्योंकि अब सांसद में कार्यकाल उनका भी अच्छा था, और पाटन क्षेत्र में बीजेपी का बहुत अच्छा विजय बघेल जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं पाटन में। अगर ओवरऑल जो 21 सीटें छत्तीसगढ़ की घोषित की हैं उसमें कुछ आदिवासियों को भी टिकट दिया है, जो अनुसूचित जात के लोगों को भी टिकट दिया है, अगर पूरे जो टिकटों के अब तक के वितरण जो 21 सीटें हैं उनमें सामाजिक संतुलन को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या बीजेपी सामाजिक संतुलन बैठा पाई है क्या? सादिक बिल्कुल बिल्कुल बैठाने में बिल्कुल सक्षम रही है, जैसे अभी खैरागढ़ में हाई प्रोफाइल सीट थी और जो भी उसको नाम हुए थे उनमें उन्होंने रमन सिंह के जो भतीजे हैं उनको टिकट दी, विक्रांत सिंह उनका वहां पे वर्चस्व बहुत अच्छा है, और जैसे मरवाही क्षेत्र में चुनाव त्रिस्तरीय होता है क्योंकि एक अन्य पार्टी भी जुड़ी कांग्रेस करके है, वो भी चुनाव लड़ती है। अब लेकिन जो सीट अभी दिया गया है वो बहुत ही चयनित करके दिया गया और बहुत ही सोच समझ के दिया गया, ये तो बीजेपी का बहुत ही और इतने जल्दी दे दिया गया, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था कि कितनी बीजेपी अपना सूची जारी करेगी, अभी इनके पास बहुत समय है, और ये जो टिकट दिया गया इनमें अमूमन कुछ लोग नए लोग भी हैं, और बहुत अच्छा। सादिक, एक भूपेश बघेल का रिएक्शन आया,
उन्होंने कहा कि इस सूची में कुछ खास नहीं है, वो एक तरीके से इसको निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वनस्पत अगर देखें तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या रणनीति देखने को मिलेगी, किस तरीके से कांग्रेस इस पर रिएक्ट कर रही, किस तरीके से देख रही इस लिस्ट को? इस लिस्ट में बघेल जी का जो रिएक्शन है वो तो बिल्कुल आश्चर्यजनक होना ही चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट उनके विजय बघेल को टिकट दे दिया गया है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो टिकट जो चयन किया गया बहुत सोच समझ के किया गया है, और अभी जो विजय बघेल जी हैं वो चयन समिति के क्या योजना समिति, क्या विजय बघेल और भूपेश बघेल पहले भी कभी आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं क्या? जी, लड़ चुके हैं, जिसमें से क्या बोलते हैं भूपेश बघेल की विजय, पिछले बार भी लड़े थे विजय बघेल ही वहां से, नहीं विजय बघेल दूसरे कैंडिडेट थे पार्टी, मतलब पहले लड़ चुके हैं ये लोग? जी पहले लड़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि पाटन क्षेत्र हमने घुमा, हमने सर्वे किया, उनको विजय बघेल से अच्छा कोई नहीं मिल सकता था। ठीक बात है, मतलब बीजेपी ने अपना बेस्ट उम्मीदवार दिया है, अब मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है उनको ये जो है। एक छोटा सा सवाल मैं सुनील से लूंगा। सुनील, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में रेवड़ियां बांटने की होड़ है, चाहे वहां भूपेश बघेल हो और चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मुफ्त की रेवड़ियां, हमें लगता पूरी सरकार ही कहो और मन करे, अगर उनका बस चले दोनों मुख्यमंत्रियों का तो पूरी सरकार ही कहें, पब्लिक के नाम कर दें, कोई रजिस्ट्री अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती हो तो वो भी लिख दें चुनाव जीतने के लिए, ये स्थिति है। क्या ये मुफ्तखोरी वाली जो पॉलिटिक्स है, क्या ये मध्य प्रदेश में कुछ बीजेपी को एक तरीके से कुछ जमीन उसकी बचा पाएगी या क्या स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस भी वहां बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है और एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी की जा रही है वहां पर? सुनील जी, देखिए दुर्गन जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए या तो बीजेपी की बात किया जाए, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक के बाद एक इवेंट कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कई साइकिल वितरण कर रहे हैं, कई लाडली बहना योजना को ₹1000 महीना दे रहे हैं, तो कहीं और जो स्टाइपेंड जो युवा जो बेरोजगार युवा उनको रोजगार दे रहे हैं, तो कई प्रकार के तमाम मुफ्त की मतलब रेवड़ियां बांटी जा रही। एक और मध्य प्रदेश सरकार का जो खजाना है वो खाली बताते हैं और फिर कर्जा लेते, तो ये जो रेवड़ी है बटने का दौर बिल्कुल सिलसिला जारी है। और जिसके बावजूद अगर बात किया है कांग्रेस की, विपक्ष पार्टी की, तो कांग्रेस भी उस पर पीछे नहीं है, लगातार बात किया है हिंदुत्व की सरकार की या स्वप्न हिंदुत्व की, तो कमलनाथ जी ने भी धृढ़ शास्त्र का एक बड़ा प्रोग्राम छिंदवाड़ा में किया गया है, और जिसके बाद प्रदीप मिश्रा का भी एक बड़ा आयोजन वहां पर छिंदवाड़ा में होने वाला, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी हिंदुत्व को साधने में लगी है। ठीक है सुनील, सादिक से एक छोटा सा सवाल, सादिक फ्री ब्रिज को लेकर वहाँ भी भूपेश बघेल सरकार जनता को बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दे रही है, बीजेपी इन रेवड़ियों का मुकाबला वहाँ कैसे करेगी? जी निश्चित ही जो आगामी जो विगत जो चुनाव हुआ विगत चुनाव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की किसान बहुल्य क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी ने जो आके जो अपना मास्टर एक्सपोर्ट चलाया, जो किसानों को प्रति क्विंटल ₹2500 दिया जाएगा चावल धान मूल्य का, तो वो निश्चित ही बहुत ही कामगार हुई, उसके उसके बदौलत ही हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट आई। वो इतना मतलब बहुत ही अच्छा मतलब चुनाव के समय समीकरण जो बनाया गया। बहुत शुक्रिया दोनों हमारे साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक और लगातार दोनों हमारे साथी जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मेहमानों से बात होगी। ब्रेक से लौटा है, सीधे मेहमानों का परिचय। मोहित गर्ग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। विजय साहू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। एम ए माजिद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तेलंगाना हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। माजिद साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और गरीबों के बीच काम करने वाले, गरीबों की फिक्र करने वाले सामाजिक चिंतक लौटन राम निषाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषाद साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और दुर्गेश भटनागर वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी बहुत आभार आपका। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान हैं वो ज़्यादातर उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जहाँ चुनाव होना है विधानसभा का, और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव। सीधे मैं मोहित गर्ग के पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भोपाल से। मोहित जी, लगातार होड़ मची है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान रेवड़ियां बांटने में होड़ लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, तेलंगाना में KCR हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं,
और 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व है, आजादी का पर्व है, उस दिन भी खूब घोषणाएं की इन चारों मुख्यमंत्रियों ने, धनाधन धनाधन। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है, ये देश के लिए बड़ी घातक चीज है रेवड़ी, और इस एक तरीके से इसका चलन चल पड़ा है रेवड़ियां बांटने का। मोहित जी देखिए, जी देखिए, ये जो रेवड़ी कल्चर है इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो स्टैंड एकदम क्लियर है। मैं आपको बड़ी सामान्य बात बताऊं, जब भी केंद्र शासन हमारी भाजपा की पार्टी, भाजपा का भाजपा द्वारा शासित केंद्र शासन हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, जब भी कोई योजना बनाई जाती है उसके पीछे की सोच बहुत मायने रखती है। हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए योजना बनाते हैं, इसलिए हम योजना बनाते हैं तो उसका पूरा खाका तैयार किया जाता है कि इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी, वो राशि का कहां से समर्थन की जाएगी। मगर वहीं पर आप कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं वो चुनाव को लेकर बनाई जाती है, ना तो उसका कोई खाका तैयार किया जाता है, कहां से राशि आएगी, कहां से उसका क्रियान्वयन होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब पिछली बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, वो किसानों की ऋण माफी को लेकर आई थी। क्या हुआ किसानों की ऋण माफी का? राहुल जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, 10 दिन तक अगर किसानों का पूरा ऋण माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्या हुआ? 1,21,00,000 किसानों में से इन्होंने मात्र 27,50,000 किसानों की 60% राशि जमा करी, 40% किसानों की सोसाइटी से मांगी। आपने पहले तो नहीं कहा था कि 40% किसानों की सोसाइटी देगी, ये आपने किसी को नहीं बताया। आपने सिर्फ विधानसभा में एक जवाब पेश किया कि हमने 27,50,000 किसानों का ऋण माफ, आपने ऋण माफ नहीं किया, सिर्फ 60% राशि दी, जिससे उनका ऋण माफ नहीं हुआ, वो 60% राशि की ब्याज में एडजस्ट हो गई। अब मैं बात करूं आज जो फ्रीबीज की बात करें, हमारी जितनी योजनाएं, आप देखिए आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना क्या फ्रीबीज है? पूरे हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष का मुफ्त उनका इलाज किया जाएगा। क्या ये लाडली बहनों पे आ जाइए जरा, लाडली बहनों पे आ जाइए, जो स्टाइपेंड दे रहे हैं उस पर आ जाइए जरा आप, है ना। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही इसके विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात आयुष्मान भारत को रेवड़ियों की तरह तो नहीं बांटेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो जी जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजनाओं का जिन बहनों को लाभ मिल रहा है मध्य प्रदेश में, उन सभी अधिकतर बहनाओं द्वारा उस लाडली बहना योजना के जो स्टाइपेंड उनसे मिल रहा है, अभी हाल में याद आए हैं लाडली बहना, अभी भी याद आई, बहुत जल्दी, बहुत दिन नहीं हुए बहनों की याद किए हुए। जी हमारी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना और सैकड़ों योजनाएं बहनों को, माताओं को लेकर चल रही है, ये जरूर नई योजना है। इस योजना का जो लाभ है, जो बहने कोई किसी तरह का व्यापार व्यवसाय या रोजगार में नहीं है, वो ये जो राशि मिल रही है अधिकतर बहनाएं उससे स्व समूह सहायता का निर्माण करके कुछ ना कुछ व्यापार व्यवसाय शुरू कर रही है, जिससे कि उनका रोजगार या रोजी रोटी चल सके और आपस में भी एक दूसरे की सहायता कर सके। तो ये योजना के क्रियान्वयन की जो मैं बात कर रहा हूँ, योजना के पीछे जो खाका बनाया जाता है उस पर आपकी आपकी सोच से वो निर्धारित होती है, ना कि कांग्रेस की तरह की सिर्फ फ्री बांट दो। आपने कहा हम सिलेंडर देंगे, उज्ज्वला योजना कौन लेकर आया? इसके पहले सालों साल से गरीब माताएं बहने लकड़ी पर या कंडे पर खाना बना रही थी, आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि उनके स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर असर पड़ेगा? हम उज्ज्वला योजना लेकर आए तो आपने कहा सिलेंडर फ्री बांटेंगे? ये अच्छी तो बात है, जनता को अगर दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई वो महंगाई से राहत दिला रहे हैं, अगर आप किसी को रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं तो महंगाई से भी राहत दिला रहे हैं, सारे लोग कर सकते हैं। और रही बात कि भाई कमलनाथ जी विधानसभा में मुकर गए कि हम नहीं देंगे, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे, और विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो पलट गए कि भाई मेरी स्थिति नहीं है बिजली देने की। तो ये सरकारें, राजनीतिक दल, ये पलट तो जाते ही हैं। यही हालत कर्नाटक में है, अभी आपने देखा रिसेंटली चुनाव जीते, अभी क्या स्थिति है? साफ कह रहे हैं टीवी पर आकर कि हमारे पास राशि नहीं है, इसलिए हम योजना का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। यही मैंने आपसे कहा, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, आप एक भी योजना बताइए जो बीच में रुकी हो या जिसमें राशि का। ठीक है, मैं विजय साहू से इसका जवाब लेता हूं। विजय साहू, मोहित गर्ग कह रहे हैं कि भाई आप ये पूरी सोच समझ के योजना बनाते हैं, इनका इनकी रेवड़ी नहीं है, इनकी दूरगामी योजना है, ये उस समाज का उत्थान करते हैं और रेवड़ी आप लोग बांटते हैं, केजरीवाल बांटते हैं। विजय साहू, अनम्यूट करिए विजय साहू। भूपेश बघेल भी खूब रेवड़ियां बांट रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। पहले मोहित के सवाल का जवाब दीजिए और फिर जरा ये भी बताइएगा कि भूपेश बघेल भी धनाधन रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं।
ये मोहित भाई अभी बोल रहे थे कि पूरी योजनाओं को देख समझ के लागू करते हैं, जो भी इनकी योजनाएं आती है, जो पैसा दिया जाता है सेंट्रल से जी। आप मुझे ये बताइए, कुछ वर्ष पहले आरटीआई के जो निकाला गया था एनडीटीवी ने, उसके हिसाब से लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की राशि का लोन इन्होंने माफ किया है। किनका माफ किया है? बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों का। ये देश किसानों का है, देश मजदूरों का है। इस देश में लगभग 75-80% किसान। मोहित थोड़ा बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए, फिर मैं मौका दूंगा आपको। थोड़ा बोलने दीजिए, चलने दीजिए, बहस को चलने दीजिए, बोलिए मुझे साहू, बोलिए। अभी बात जी जी, हमारे देश में लगभग 80% किसान है। किसान आपको बताऊं, पिछले जो 15 साल का राज था छत्तीसगढ़ में, लगभग 12,000 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या किया था यहाँ। इसलिए उन स्थितियों को ध्यान रख के माननीय भूपेश बघेल जी उस समय छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि अब एक भी किसान यहाँ पे नहीं मरना चाहिए। तब किसानों की ऋण माफी की बात आई, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया, और उसके बाद उनको फसल का उचित भाव मिले, इसलिए उनको मिनिमम गारंटी योजना से जाके और उनको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा दिया गया। पर इनका ध्यान, जो भाजपा का ध्यान है, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए लागू रहता है। ये अडानी को कौन सा रेलवे स्टेशन देंगे, कौन सा एयरपोर्ट बेचेंगे, सेल के कितने प्लांट बेचेंगे। विजय भाई मोहित कह रहे हैं कि भाई आप लोग घोषणाएं करते हैं फिर मुकर जाते हैं, ये कह रहे हैं। कमलनाथ जी का उदाहरण दे रहे हैं, भूपेश बघेल का भी एक दो उदाहरण ये दे देंगे। विजय भाई कौन सा उदाहरण है भाई, बताइए। छत्तीसगढ़ में जितने वादे किए गए थे, लगभग पूरा माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। यहाँ पे किसानों को ऋण माफ किया गया लगभग 10,000 करोड़ का। आज हमारे यहाँ के किसानों, कमलनाथ को डिफेंड नहीं करेंगे आप? कमलनाथ को डिफेंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं करूंगा, लेकिन वहां की जानकारी पूरी मेरे पास नहीं है। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन मोहित से लेते, फिर बाकी लोग। मोहित बताइए, वो कह रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं भूपेश बघेल ने ऐसा नहीं किया, कमलनाथ को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। बोलिए। कोई बात नहीं, मैं कमलनाथ जी का भी आपको पहले डेटा दे देता हूँ, फिर भूपेश जी पर भी एक मिनट के लिए आता हूँ। भूपेश जी पर आ जाइए यार, मोहित भाई भूपेश जी पर आ जाइए, और छोटा सा जो आप रिएक्शन दीजिए, बाकी लोग फिर इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। बोलिए। भूपेश जी की सरकार किसानों के हित में काम करती है, जैसा विजय भाई ने बताया। आप बताइए, भूपेश जी ने, इनके यहाँ कोई गोबर खरीदने की योजना थी, मुझे योजना का नाम नहीं मालूम है, बट इन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा। उसमें इन्होंने एड ऑन करके, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको बेच के इनको राशि कमानी थी, उसमें इन्होंने वैल्यू एडिशन किया, और उसके बाद 17 करोड़ रुपए का सामान बेचा, और उसके बाद आपके पास स्टॉक नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि 300 करोड़ का आपने गोबर खरीदा, उसमें आपने वैल्यू एडिशन किया, जो भी आपने 10-20-50-100 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए, उसके बाद उससे जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसको आपने 17 करोड़ रुपए में बेचा, कहां गया वो पैसा? धन्यवाद। बताइए भाई विजय साहू, जवाब दीजिए, ये कहां घालमेल घमंजा कर दिया आपकी सरकार ने किसानों के गोबर से? मोहित भाई इतनी बड़ी योजना है गोधन न्याय योजना, आप लोग तो सिर्फ गौ माता की रक्षा करने की बात बोलते हैं। नहीं, क्रियान्वयन चल रहा है। आज हमारे यहाँ उससे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, आज हमारे यहाँ गोदाम से घपला, उसका हिसाब किताब दो भाई, जनता पूछेगी अभी 2 महीने बाद। ये कह रहे घपला कर दिया, गोबर को भी नहीं छोड़ा कांग्रेस ने वहां, ये कह रहे वो। नहीं, ये तो फीका आरोप है, ये भाजपा है, इनको विरोध में है, विपक्षी पार्टी इनको कुछ बोलना इसलिए बोल रहे हैं। आप जाके देखिए, आप कह रहे हैं इस बार सरकार में आ जाएंगे, विपक्ष में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, अगर आप लोग ऐसे करते रहे। जवाब नहीं दिया मेरा सवाल, इसका विधानसभा में आपने जवाब नहीं दिया है। विधानसभा में सत्र में कमी थी जी, जी सत्र में समय की कमी रही थी, इसके कारण हो सकता वहां पे ऐसा रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। उसमें कई लाख महिलाओं को, स्व सहायता समूहों को उसमें काम मिला हुआ है, और बहुत अच्छा कार्य कर रही है उसमें। ठीक बात है, गोधन न्याय योजना के। ठीक बात है विजय भाई, अब मैं लोटन राम निषाद के पास जाऊंगा, गरीब गुरबा की बातें करते हैं, सामाजिक चिंतक हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों की रहनुमाई भी करते हैं निषाद साहब। निषाद साहब, ये गरीबों के नाम पर, ये हमें देख रहा हूँ, कान फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर नेता कर रहे हैं, गरीबों की सरकार होड़ लगी है, नेता चकाचक बरका बरक 5-5 करोड़ की गाड़ियां, 3-3 करोड़ की गाड़ियां बरका बरक घूम रहे हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं बरका बरक,
और इस बात को लेकर प्राण दिए पड़े हैं कि गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, होड़ लगी है गरीबों की सरकार अपने आप को साबित करने में। सारी सरकारों का यह हाल है। और नेताओं को देखिए जो गरीब वर्ग से आते हैं उनका भी हाल जरा देखिए। लोटन राम निषाद वैसे ही मैं देख रहा हूं पिछले 40 साल से, आपकी स्थिति नहीं बदली। और ये गरीबों की सरकारें, गरीबों के नेता, जो फ्री ब्रिज है, जो जिसको मुफ्त की रेवड़ी कहा जाती है, इससे आप कितना सहमत हैं? ये दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इससे राजनीति प्रभावित होती है, नहीं प्रभावित होती है? लोटन राम निषाद अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर जी, आवाज आ रही है सर? बोलिए बोलिए निषाद साहब बोलिए। देखिए सर, 5 प्रदेश में चुनाव संभावित है जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दुर्ग। सबसे पहली बात यह है सामाजिक न्याय का मुद्दा। कमलनाथ की सरकार ने 14% से 27% आरक्षण की व्यवस्था किया ओबीसी के लिए। 14% से 27% जो है कि भूपेश बघेल की सरकार ने किया। सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है सामाजिक न्याय का मुद्दा है। और आरक्षण में दंगाबाजी करने का काम किसने किया? पर्दाफाश हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने किया। तो जो ये चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंदर, वो सामाजिक न्याय के मुद्दा पर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चिंतन है, मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री अपने को गरीब माँ का बेटा बताते थे। मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, मैं महरी का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने का काम करता था। उन्होंने एक कहा था, तो झूठ क्या है इसमें? जो लोटन राम निषाद झूठ क्या है? तो सही है, ऐसा उन्होंने कष्टमय जीवन जिया और आज वो देश के प्रधानमंत्री है, दिक्कत क्या है इसमें? मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। हमारे साथ दुर्गेश भटनागर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दुर्गेश भाई आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान में मैं देख रहा था अशोक गहलोत बिल्कुल होड़ लगाए हुए हैं, दय दनादन इतनी नियामतें बांट रहे हैं, और बीजेपी बहुत दिक्कत में वहां महसूस कर रही, लगातार उनको हमले भी कर रही है। अब जमीनी स्थिति क्या है क्या नहीं है आप बेहतर बता सकते हैं। आज जो चुनावी तैयारियों की समिति, जो चुनाव अभियान समिति है, उसमें एक डेवलपमेंट आपको भी पता है, हम सबको पता है कि सिंधिया, मैडम सिंधिया उसमें नहीं है। जरा राजस्थान की राजनीति में जो ये रेवड़ी है इसकी भूमिका पर जरा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को जरा ज्ञान वृद्धि कीजिए। दुर्गेश भाई देखिए, अगर राजस्थान की स्थिति देखें, कमोबेश अगर इसकी स्थिति देखें, तो रेवड़ियां जो है ये अब एक परंपरा की हो चली है। जब भी चुनाव आते हैं जो है वो भी इन चीजों को समझने लगी है कि जैसे चुनाव वो मटने लगेगी। बाकी साथी अपने माइक को बंद कर लें, दुर्गेश जी बोल रहे हैं, और जो भी बोले वही अपना माइक ऑन करें, कृपया, कि इससे डिस्टरबेंस होता है, फिर साफ बात नहीं जाती। दुर्गेश जी कंटिन्यू करिए। जी जी जी, तो ये अब जनता भी इस चीज को समझने लगे कि जैसे चुनाव आएंगे तो रेलियां बटना शुरू हो जाएगी, तो जनता भी इससे अब ज्यादा इसको ज्यादा कहना चाहिए कि गंभीरता से नहीं लेती है। उनको मालूम है कि ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंट तो होने के लिए अब टाइम बचा नहीं है। खैर, जो स्थिति राजस्थान की फिलहाल है, तो गहलोत सरकार सितारे से भी कई चीजें निकल, क्योंकि चुनावी फिलहाल है, तो गहलोत सर भी चाहते हैं कि उनकी सरकार जो रिपीट हो। और राजस्थान में जिस तरीके का ट्रेंड है, टेन्योर बीजेपी का रहा है, टेन्योर फिर कांग्रेस का रहा है, फिर बीजेपी का, फिर कांग्रेस, तो अब बीजेपी को ये लग रहा है कि अब उनका टेन्योर है, तो वो थोड़ी सी सुस्ती में फिलहाल नजर आ रही है। और जो फ्रंटफुट पे खेलना चाहिए विपक्ष के तौर पर, वो अभी थोड़ा सा नजर बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा कमोबेशी जो है वो नजर आ रहा है राजस्थान में। गहलोत इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं, गहलोत पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं उनके साथ। दुर्गेश जी थोड़ा लाउड करिए, साउंड आपकी बहुत कम आ रही है, दर्शक बहुत सुन नहीं पर, बहुत स्लो साउंड आ रही है, कृपया देखिए कहीं माइक में कोई दिक्कत है क्या। जी 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 जी, मैंने उसको भी एक बार चेक करता हूँ, शायद अब मेरी आवाज आ रही है सही तरीके से, मैं थोड़ा सा लाउड, थोड़ा ठीक हुई, कृपया बोलिए।
तो राजस्थान की अगर देखें जी, तो यहाँ पर दूसरे राज्यों की तरह ही स्थिति है। गहलोत साहब भी चाह रहे हैं कि वो वापस एक प्रीमियर वापस मिले, चुनाव में वापस जीत का परचम लहराए, और जो ट्रेंड चला रहा है राजस्थान की राजनीति में कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को तोड़े और आए, उनके साथ एक बड़ी जो अच्छी बात ये है कि ऐसी इनकम्बेंसी जितनी मानवी की डिजिपेंसी है नहीं, इनकम्बेंसी के तौर पर देखें तो अभी वो सेफ जिसमें गहलोत साहब नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो दुविधा वो है कि बीजेपी से कई धड़ों में सामने नजर आ रही है, तो उनके लिए क्या है कि स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है, घर के अंदर स्थिति जो है वो गड़बड़ है। योगेश भाई, वसुंधरा जी को किनारे लगा दिया बीजेपी ने, क्या क्या लग रहा है वहां पर? देखिए जिस तरीके से एक्चुअली अगर हम राजस्थान की बीजेपी की अगर बात करें तो आप यहाँ की स्थिति जो है वो संगठन और वसुंधरा धड़ा जो है उनके बीच में एक मतभेद है। वसुंधरा जो है वो आरएसएस नहीं आती है, वो एक अलग लॉबी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो अपने आप में एक अलग धड़ा है। तो वो संत और वसुंधरा जी का जो धड़ा है उसके बीच में एक छोटा सा पेच जो है वो फंसा हुआ है। और जिस तरीके के अगर बात करें प्रधानमंत्री की बात करें या अमित शाह की बात करें या केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, तो जिस तरीके का अब तक का उनका राज करने का तरीका रहा है वसुंधरा जी का, उससे वो लोग थोड़े खफा हैं क्योंकि रंग और संगठन को लेकर वो नहीं चली है अब तक। आप ये कहना चाह रहे हैं, दुर्गेश भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्री ब्रीज है, जो गहलोत की रेवड़ियां हैं, वो मुझे लगता है कुछ उनको सत्ता का स्वाद मीठा मीठा चखा सकती हैं, ऐसा लग रहा है वहां क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने खोल दिया है, मतलब गुड़ जितना डाल सकते हैं इसको मीठा करने में, उसमें कोई कोर कसर गहलोत साहब नहीं छोड़ रहे। ठीक बात है, एक छोटा सा रिएक्शन 5 सेकंड का, मोहित कुछ कहना चाह रहे हैं 5 सेकंड, उसके बाद फिर मैं माजी साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार तेलंगाना से। मोहित बोलिए, 5 सेकंड में दूंगा आपको। मैं राजस्थान पे दुर्गेश जी की बात का जवाब दे दूं। गहलोत जी पहले पायलट जी से निपट लें, बीजेपी से निपटने के लिए तुमको बहुत समय लगेगा। गहलोत जी पिछली बार सरकार कांग्रेस की पायलट जी के नाम हमारी पार्टी में बगावत नहीं होती। अभी आप चुनाव आने दीजिए, आपने 2.5 साल का वादा किया था ना, आपने गहलोत जी के साथ पूरा पायलट जी के साथ पूरा किया ना, टीएस सिंहदेव के साथ पूरा किया आपने छत्तीसगढ़ में, उसका खामियाजा आपको इसी आने वाले। ठीक है मोहित भाई, आपकी बात आगे, मैं माजी साहब के पास जाऊंगा। एम ए माजी साहब वरिष्ठ पत्रकार तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैदराबाद से। माजी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, वहां तेलंगाना की स्थिति की अगर बात करें तो केसीआर भी लगातार इन चीजों पर फोकस करते हैं, उसको जन सरोकारी राजनीति का नाम दे सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो वो देते हैं वो रेवड़ी नहीं है, बहुत योजना बनाते हैं वो, और जो बाकी लोग जो विरोधी लोग दे रहे हैं वो कह रहे बहुत योजना, उनके पास कोई योजना नहीं। यानी अब वही कहें, एक कहावत है, पता नहीं अब मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। माजी साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी हिंदी उतनी सही नहीं रहती। बहुत अच्छी बोल रहे हैं मसाला, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, बोलिए कृपया। हम लोग दक्षिणी एक्सेंट पे बात करते हैं, आप कुछ गलती हो तो हमें मुझे माफ करना जी। देखिए आपका मैं अभी डिबेट देख रहा था पैनलिस्ट का, दरअसल देखिए जो भी परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की, जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद पर, उसके बेसिस के ऊपर हमको जज करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि झूठ 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 इतना फैलाया जाता है और उसके जो दावे होते हैं, उसका जो कुछ चर्चा होती है, उसका कोई बेसिस नहीं होता। अब रही बात, आपने तेलंगाना को भी फोकस किया, मैं समझता हूं कि हिंदी बेल्ट वाले शायद तेलंगाना के बारे में पता नहीं कितना जानते हैं, क्योंकि एक बड़ी डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ की है, आपका कल्चर साउथ का कल्चर एक डिफरेंट है। लेकिन देखिए हम एक मुल्क में होते हुए हम एक दूसरे को नजरअंदाज, यही तो गुलदस्ता है माजी साहब, यही गुलदस्ता है, इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ये जो कल्चर है ये एक रूपता
एकता में अनेकता टाइप वाला बना रहे है। जी देखिए बिल्कुल गुलदस्ता इस बारे में जरूर गुलदस्ता है, रेवड़ियां बांटने में गुलदस्ता है, सभी जगह रेवड़ियां बटती हैं, ये बहुत अच्छी ये बात है सुने। लेकिन हमारा कल्चर में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे रख रखाव में ये जो है एक डिवीजन हो गया जी। आज के दिनों में मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा डिवीजन हो गया है। नॉर्थ से जो हमारी जो न्यूज आती है आप लोगों की, वो हमें सुनकर बड़ी तकलीफ होती है, क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, हिंदी बेल्ट में क्या हो रहा है, हैदराबाद में बड़ा तशवीश होती है। हैदराबाद हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, यहाँ का बिल्कुल एटमोसफियर बिल्कुल अलग है। यहाँ एक घर में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, एक घर में ईसाई भी रहता है, इस किस्म के जो है एक एक सोसाइटी के मकानों में। तो ये सिचुएशन है। अब आपकी चीजें सुनने के बाद, खासकर मैं भाजपा की बात करूंगा, वो भाजपा और यहाँ की जो बीआरएस पार्टी जो हो चुकी है, अब ऐसा दिखता है कि भाजपा सरेंडर हो चुकी है। हालिया दिनों में जो कुछ मामला हुए हैं, असल जो यहाँ जो कॉम्पिटिशन होगा, पोलिटिकल कॉम्पिटिशन होगा, वो बीआरएस में होगा और कांग्रेस में होगा। इसलिए कि अभी ये लोग चार साल सोते रहते हैं, बीआरएस पार्टी चार साल सोती रहेगी। अभी उसने जो है शुरू कर दिया, एक दरवाजा खोल दिया, यानी जैसा कि एक बड़ा खजाना है उस खोलना शुरू कर दिया है, ये हम ये देंगे वो देंगे ये देंगे। वैसे भी दो तीन स्कीमें ऐसी हैं जो पहले से चली आ रही है। माजी साहब एक छोटा सा इसमें अपना सवाल ऐड करूंगा मैं, क्या ये लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, कि केवल घोषणाएं करते हैं, क्योंकि आपका तो बहुत लंबा अनुभव है वहां काम करने का। देखिए ये देने का वादा बहुत 100 को करते हैं, देते 10 को, तो आप देख लीजिए 19 के खिलाफ हो जाते हैं। देते जरूर हैं। अब देखिए रेतु बंधु है किसानों के लिए, ये एक अच्छी स्कीम है, ये बहुत अच्छी चल रही। दूसरा दलित बंधु है। अब दलित बंधु में आप देखिए, शायद हिंदुस्तान की किसी स्टेट में ऐसा नहीं है, 10 लाख रुपीज नो रिटर्न, 100% सब्सिडी। और आप देखिए इसमें एमएलएस को, खासकर रूलिंग पार्टी के एमएलएस को ये इख्तियार दिया गया, पावर दिया गया कि वो दलित लोगों को सेलेक्ट करें। और उसमें तो धांधली हो रही, करप्शन इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि बेनिफिशियर क्या करता है, 10 लाख रुपए की मिशनरी, एग्रीकल्चर मिशनरी एक शोरूम से उठा देता है। उठाने के बाद वो सौकार के पास जाता है, चौधरी कहते हैं हमारे पास, चौधरी पटेल या रेड्डी साहब, उनके पास जाता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं 5-6 लाख रुपए तेरे को दे देता हूं, तू मिशनरी मेरे को दे दे, तू मेरे पास ही आके ड्राइविंग करे, काम करे। ये इस पे कोई रोक नहीं है, इसमें करप्शन है, लोगों के साथ सही नहीं जा रहा है। अभी देखिए माइनॉरिटीज के बारे में इन्होंने 1 लाख रुपए की स्कीम शुरू की, वो सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन वो देगी। उसमें एप्लीकेशन मांगी गई तो एप्लीकेशन कितनी आई, 2,60,000 एप्लीकेशन आई। अब उसमें से कहें कि हम 40,000 को देंगे 1-1 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट, देने का जरूरत नहीं है। तो ये कहां से दे रहे, ये स्टेट क्या बर्डन कर सकता है ये फ्री स्कीम्स की, फ्री भी ये इतनी चीजें फ्री, पावर फ्री हो गया, हर चीज फ्री हो गई। अब आप देखिए ये तेलंगाना जब 2 जून 2014 को जब आया, ये इंडिया की सरप्लस स्टेट थी, पैसा बढ़ के था यहां के पास, और आज 6 लाख करोड़ का डिबिट हो गया। इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, ये कौन पे करेगा, क्या हमारे चंद्रशेखर राव पे करेंगे, या आने वाली कांग्रेस या कांग्रेस के लोग करेंगे, या बीजेपी के लोग करेंगे, कौन पे करेगा, टैक्सों का अंबार है। और आप देखिए एक बात बताना चाहता हूं कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा शराब पूरे कंट्री में हमने रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा शराब बेचने में, और सबसे ज्यादा शराब का 40,000 करोड़ रेवेन्यू रहता है शराब से हमारे पास। अच्छा माजी साहब, माजी साहब बहुत सारी चीजें आपने बताई कि ये गड़बड़ है, इसके बावजूद क्या जो फ्री ब्रिज है, रेवड़ियां हैं, ये क्या राजनीतिक जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको क्या भयंकर रूप से प्रभावित नहीं करती, किसी की सरकार बना देती है, किसी की गिरा देती है, क्या ऐसा नहीं होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये इन्फ्लुएंस करती है, ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेंगी। और आप देखिए ये कर्नाटक का जो रिजल्ट आया, कर्नाटक में जो स्कीम्स कांग्रेस ने लेके आई है, उसके बाद यहाँ भी एक उम्मीद पैदा हो गई कि यहाँ कांग्रेस को फिर से एक नई यानी क्या कहना चाहिए, एनर्जी मिली है। तो उन्होंने भी यहाँ 500 रुपीज में गैस सिलेंडर, यहाँ भी 200 यूनिट तक पावर फ्री, ये चीजें शुरू की। उससे पहले इन्होंने बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव ने, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उससे पहले ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे। अब ये जो होता है मैं आपको बताऊंगा, मैं 2018 में यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयड अनाउंस देने की बात की थी
जो लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इस और एक चीज उन्होंने की थी कि 57 इयर्स जो हो गए उनको ओल्ड एज पेंशन दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब हम देना शुरू कर देंगे। तो ये 5 साल तक खामोश बैठे रहे। 5 साल जैसे इलेक्शन करीब आया, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट में मैंने देखा लास्ट ईयर भी अनाउंसमेंट 100 का करते हैं और 10% ही ये कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। जी 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 मोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए। माजी जी ने कहा बिल्कुल मेरी बात को शायद वो समर्थन कर रहे हैं कि ये योजनाएं जो बनाते हैं इसमें कोई इसका सिरपैर नहीं होता। आप बताइए, 10 लाख रुपए आप दलित को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनको दे रहे हैं, वो खर्च कर देंगे, जैसा उन्होंने बताया कि वो किसी साहूकार के पास चले जाते हैं। इसी को अगर आप योजना बना के, उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आप उनके लिए कोई जॉब या कोई भी ऐसी दुकान या कुछ भी लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका आपको वापस नहीं करना है, तो उनका एक रोजगार बन जाता है। अब वो 10 लाख रुपए खर्च कर देंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। आप 1 लाख तो मुस्लिम भाइयों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत। मगर आपने कोई खाता नहीं बनाया कि उस 1 लाख रुपए से आप क्या करेंगे, इसको कहते हैं रेवड़ी। ठीक बात। अगर आप कोई खाता बना देते तो इससे वो कुछ हमको रोजगार बन जाता, उनके लिए जिंदगी भर का रास्ता खुल जाता। ठीक बात है। दुर्गेश जी के पास जाता हूं। दुर्गेश जी, ये मोहित भटनागर जैसा कि अभी माजी साहब कुछ कहना चाहे, बोलिए माजी साहब। बोलिए। देखिए, जैसा हमारे भाजपा के साथी ने बताया कि ये बात ठीक है, देना चाहिए, लेकिन विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप पैसा लेकर क्या करेंगे? पैसा लेके लोग शराब पी रहे हैं, वो पैसा लेके लोग कुछ फंक्शन कर ले रहे हैं, ये चीज इसका कोई कंट्रोल करेगा? ये पैसा, ये हमारी स्टेट का पैसा है, ये इसको रीजनरेट होना, पैसा रिसाइकल होना, पैसा उसके लिए वो इंडस्ट्री लगाए, कुछ दुकान लगाए, ये कुछ कारोबार करें, पैसा रूलिंग में लाए, ये वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है मोहित भाई, अब मैं चूंकि फाइनल राउंड में है, कार्यक्रम खत्म होने की तरफ है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं दुर्गेश जी सुनूंगा। दुर्गेश जी, जैसा माजिद साहब कह रहे हैं कि इस तरीके की योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और मोहित अपनी बात पर अड़े हुए वो कह रहे ना, बीजेपी जो वाला है वो बिल्कुल गंगा जल से धुली, पाक साफ है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, बहुत योजना बना के वो काम करते हैं, बिल्कुल चकाचक है उनका, और बाकी सब भ्रष्ट हैं। तेलंगाना में बड़ा प्रसन्न हो गए जबकि वहाँ वो तीसरे नंबर पर हैं, माजी साहब जैसे बता रहे हैं। साहब ऐसा नहीं है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं वो इसी तरीके की रेवड़ियां बांटती रही है और आगे भी इस तरीके की स्थितियां चलती रहेंगी, क्योंकि जनता का माइंडसेट भी है कि इस टाइम पे तरीके की योजनाएं आती है। सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, दुर्गेश भाई की बात सुन नहीं पा रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं ऑडियो प्रॉब्लम है और अब कार्यक्रम भी खत्म होने वाला है। अंतिम टिप्पणी मैं लूंगा लोटन राम निषाद से। लोटन राम निषाद, आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है, यहाँ तो नोट बांटने तक की लड़ाई है, अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट है इनका डर ना हो तो नगद पैसा दे दें लाइन लगा के बुला के, और जो तमाम इस तरह की नगद योजनाएं लोगों के खाते में जा भी रहे हैं पैसे, और आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय, किस सामाजिक न्याय पर लड़ाई, कौन सा आरक्षण किसको चाहिए? सब लोगों को तुरंत चाहिए बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, खाना मुफ्त, राशन मुफ्त, कपड़े मुफ्त, स्कूटी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। लोटन राम जी, देखिए सचमुच में जो स्थितियां उभर के आ रही है, चाहे तेलंगाना का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हो, मिजोरम है, छोटा सा राज्य है, सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस का मुद्दा सबसे प्रमुख है। यह है कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये चुनावी मोड में जो है कि रेवड़ी बांटने का प्रयास करें, लोगों को लुभाने का प्रयास करें। मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, अब इसका असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में हमारे मामा के कार्यकाल में जिस तरह से दलित के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, SC ST के ऊपर जिस तरह का दुराचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहीं मूत खिलाया जा रहा है, कहीं बिस्टा खिलाया जा रहा है, तो ये सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है हमारी दृष्टि से और सोशल जस्टिस का मुद्दा सबसे प्रमुख है। और रेवड़ी बांटने से अब ये समाज बड़ा थक गया है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेषकर हमारे नीलप्रण सिंघाल जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती थी, चौका बर्तन करती थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लोटन राम जी, अब वक्त इजाजत नहीं देता है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दुर्गेश जी आपका धन्यवाद, मोहित गर्ग आपका धन्यवाद, विजय साहू जी आपका धन्यवाद, माजिद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रिजवान अहमद साहब जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी धन्यवाद, बातचीत उनसे बहुत नहीं हो पाई। सवाल यही है मंथन में अभी भी कि एक तरफ
बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय पर ये चुनाव होने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। कोशिश भी कर रहा है विपक्ष, इंडिया वाले कोशिश भी कर रहे हैं कि जनगणना के बहाने हो, आरक्षण के बहाने हो, ये लड़ाई सामाजिक न्याय पर लाई जाए चुनाव की, चाहे वो अभी जो चार राज्यों में चुनाव होने हैं इस साल और अगले साल लोकसभा का। लेकिन रेवड़ियां तो अभी भी बट रही हैं और आगे भी बटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।